हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस यूट्यूब चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, जो लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हमने आपको सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है वो बताया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमर बताए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर का हमने डेफिनेशन बताया था और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। फिर हमने पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर दोनों को डिस्कस किया और एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक आपको बताई थी। तो क्योंकि जो पहला लेक्चर था उसके काफी दिन के बाद ये लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पर, तो इस वजह से थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं और फिर हम आज के इस लेक्चर पर वापस आएंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर नहीं किया है, ये लेक्चर शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले काम आप यही करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने स्कूल के दोस्तों को, जो भी आपके हैं फ्रेंड सर्कल है, उन सभी को सभी जगह पर शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप पर ये शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करिए, सभी जगह आप ये बताइए ये कि स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री एकदम फ्री में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। तो ये जिम्मेदारी आपकी है और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपके पास कोई अगर सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वैसे आप लोग लिखते भी हैं और हमें पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसी वजह से हम इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे साथ है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं कि लास्ट लेक्चर में, आइसोमेरिज्म के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिटेल में उसको देख सकते हैं, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जाइए उस लेक्चर को पूरा जरूर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि आइसोमेरिज्म का बेसिक क्या होता है। उसमें हमने पूरा बेसिक आपको समझाया है। आज मैं एक जल्दी जल्दी से रिविजन करवाऊंगा जिससे कि आपको समझ आ पाए। तो आइए अब हम आपको समझाते हैं। वैसे तो स्टार्ट हो रहा है आज के क्वेश्चन से, लेकिन फिर पहले मैं रिवीजन करा देता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा आज का लेक्चर। देखो, तो हमने लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई थी। उसमें हमने आपको ये कहा था कि दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, यानी वो दिखने में एक जैसे हो लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हों, तो वो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था, अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझना चाहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी। अब हमने आपको इसके बाद टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म बताया था। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमने आपको दो बताया था, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल के कई सारे टाइप्स हमने आपको बताए थे और फिर स्टीरियो के कई सारे टाइप बताए थे। वो आपको डिटेल में देखना है तो आप जाइए लेक्चर नंबर 1 आइसोमेरिज्म बाय स्टडी पॉइंट, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमने क्वेश्चंस भी कराए। फिर हमने आपको चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर कराया, जिसमें हमने अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस कराए आपको, और इसके बाद हमने आपको पोजीशन आइसोमर कराया और फिर हमने आपको एक ट्रिक भी बताई। ट्रिक क्या थी कि x और y था, अगर x y सेम आ जा रहे हैं, x और y सेम है तो इसका मतलब वो पोजीशन आइसोमर है, और अगर x y डिफरेंट आ जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, वो चेन आइसोमर है। इतनी बात थी लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास का रिवीजन एक और तरीके से हम करवाना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन और है जो जिपमर का क्वेश्चन है और वो लास्ट क्लास में रह गया था, तो इस वजह से हम आपको आज के इस लेक्चर में उसको कवर करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अब आप अपनी नजरों को
स्क्रीन पर करिए और पेन और कॉपी की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। और ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तब पूरा ध्यान के साथ इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पोजिशन आइसोमर का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें x और y फाइंड आउट कर लेने, क्या फाइंड आउट करना है, x और y। जैसे ही आप पता कर लेंगे इन पांच कंपाउंड्स जो आपके सामने दिए गए हैं, वैसे ही आप एकदम क्लियर कर लेंगे कि इसमें क्या 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 होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, जो 1 का 2 से क्या रिलेशन है, मतलब कैसे आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से, 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, ये सब आपस में कैसे आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो ऊपर है, यहां पर अगर आप x की बात करेंगे तो x तो 6 है क्योंकि क्लोज रिंग है, हेक्सागन है, इसलिए 6। और y की अगर बात करेंगे तो y 1 है, क्यों, क्योंकि यहीं पर तो सिर्फ एक कार्बन है, तो इसलिए y 1 हो गया, क्लियर। चलो पहला हो गया। दूसरा जो है, x तो 6 ही है, y यहां पर 2 हो गए, ठीक है। दो साइड चेन, x क्या होता है, x होता है पेरेंट चेन, कार्बन इन पेरेंट चेन, और y क्या होता है, साइड चेन में कितने कार्बन है, ठीक है। चलो दूसरे में, इसमें भी x क्या है बेटा, 6, और y क्या है, 2। इसके में इसकी बात करें तो यहां पर भी x 6 है और y जो है वो 2 है। अगर नीचे बात करें तो यहां पर भी x 6 है और y 2, ठीक है। ये देखिए अब क्या करना है, अब आपको इनमें देखो जो जो एक जैसे हैं वो क्या हो जाएंगे, जो जो एक जैसे हैं, जैसे दूसरा और तीसरा एक जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। जो सेम वो पोजीशन आइसोमर, और जो डिफरेंट वो चेन आइसोमर। तो आप देखिए जिनका भी रिलेशन पहले के साथ है वो सब चेन आइसोमर होंगे। देखो जैसे 1 और 2 जो हैं ये आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर, क्योंकि एक्स वाई डिफरेंट है। अब ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। देखो जिनको भी थोड़ा सा कम समझ आ रहा है ना, ये इसीलिए क्वेश्चन में डाला है क्योंकि लेक्चर नंबर 1 पूरा का पूरा यहां पर कवर हो जाए, वो वहां पर जितना हमने कुछ बताया था वो सारे कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन में आ जाए, इस वजह से क्वेश्चन को यहां पर डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसका मतलब आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है, तो लेक्चर नंबर 1 जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब 1 और 5 के साथ भी इसका रिलेशन क्या होगा, CI5 होगा, CI यानी चेन आइसोमर। अब सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड में भी 6-2, थर्ड में भी 6-2, यानी पोजीशन आइसोमर। 2 और 4 भी पोजीशन आइसोमर है, 2 5 भी पोजीशन आइसोमर है, 3 4 भी पोजीशन आइसोमर है, 3 5 भी और 4 5 भी पोजीशन आइसोमर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अपना आज का मेन टॉपिक जो हमारा है वहां पर चलते हैं। क्या शुरू करना है हमें आज, हमें आज ये पता करना है, कुछ सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, उनके आंसर पता करना है, ठीक है। तो पहला आपके सामने यह है कि मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर, कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमर शो करने के लिए, कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए जिससे कि आपको चेन आइसोमर शो हो जाए। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहले हम एल्केन की बात करते हैं कि एल्केन में कितने कार्बन चाहिए कि वो चेन आइसोमर शो कर सके, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं, कार्बन नंबर 1 से लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं भाई। तो चलिए, तो अगर हम CH4 लें पहला कार्बन, तो भाई साहब पहले कार्बन में तो IUPAC शो करने के लिए कई सारे आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कई सारे आपके पास कार्बन होना चाहिए ना, तो
तो एक कार्बन से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक कार्बन से तो क्या इधर करोगे क्या उधर करोगे, ठीक है। तो दूसरा कार्बन लेते हैं, दो कार्बन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो गया CH3। तो इसका मतलब अब भाई देखो, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता, एक तो सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ नहीं हो सकता। अब हम अगर कार्बन नंबर तीन ले लें, कार्बन नंबर तीन ले लें, तो देखो ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ठीक है। अब क्या इसमें आइसोमेरिज्म हो सकता है? तो कुछ लोग कहेंगे यहाँ हो सकता है, बट नहीं होगा। देखो कुछ जो आप लोग कह रहे होगे वो ऐसा करते हो, क्या करते हो, CH2 CH3 और यहां पर आपने लगा दिया। तो बेटा ये एक ही चीज है, आप अगर पेरेंट चेन चूज करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो तीन ही आएंगे ना, तो इसका मतलब ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम कार्बन के लिए अब हम एक कार्बन और बढ़ाते हैं, देखते हैं भाई इसमें शो होगा कि नहीं। तो CH3 CH2 CH2 और CH3 ये हो गया। अब कैसे देखते हैं इसमें, तो चलिए एक बार चेंज कर करके देखते हैं। तो अब इसमें क्या करें हम, अब इसमें एक कार्बन को उठा करके दूसरी जगह लगा दो, तो CH3 CH3 ये हो गया, और यहां पर हमने क्या कर दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है। यहां पर क्या कर दिया, CH3 लगा दिया। तो अब ये जो चीज आपको दिख रही है इसका मतलब ये है कि ये इसने यहां पर चेन आइसोमर शो कर दिया, यानी एक चेन छोटी हो जाए और उसके साथ में हम दूसरी चेन लगाते हैं। देखो चार कार्बन टोटल उधर भी हैं, चार कार्बन टोटल इधर भी हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जिससे कि आपको एकदम क्लियर दिखाई पड़े, ठीक है। अब ये देखिए, चार कार्बन आपको इधर भी दिख रहे हैं और चार ही कार्बन इधर दिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, चेन के साथ छेड़छाड़ करो और कार्बन को इधर उधर कर दो, इसका मतलब चेन आइसोमर हो गया, ठीक है। चेन में चेंजेस आ गया, यानी चेन आइसोमर हो गया। तो अब यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आपको मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर इन एल्केन इज 4, ठीक है। तो इसको यहां पर क्या करोगे, आप लिख सकते हो पूरा पूरा, या यहां पर आप 4 कार्बन आप लिख सकते हो, चार कार्बन की जरूरत है आपको आइसोमेरिज्म शो करने के लिए, ठीक है। 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर, ठीक है। तो यहां पर आप चाहे लिख सकते हो 4 कार्बन इज रिक्वायर्ड टू शो चेन आइसोमर, ठीक है, कोई दिक्कत, चेन, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई एकदम कि चेन आइसोमर के लिए, एल्केन में चेन आइसोमर के लिए कितने कार्बन चाहिए, 4। अगर मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपका एकदम 4 कार्बन 4 नंबर दिला के जाएगा नीट में, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगर एल्कीन है तो चेन आइसोमर शो करने के लिए कितने मिनिमम कार्बन चाहिए, ठीक है। अब अच्छा, कुछ बच्चे ये बार बार कह रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि नीट का रिजल्ट तो आउट हो चुका है। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग का क्या होगा, कैसे शुरू होगा, कब से शुरू होगा। तो जब भी काउंसलिंग की डेट आएगी, कोई भी ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज होगी, तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगा। वो न्यूज क्या है, कब से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, सारी चीजों की जानकारी सबसे पहले आपको यही मिलेगी। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कब से शुरू हुआ क्या होगा। और हमने जब आपके लिए पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कट ऑफ के बारे में बताया है, तो वहीं पर मैंने सारी चीजें बता दी हैं कि किस बच्चों कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने बच्चों के नंबर कम है तो उन्हें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं, जिनके भी नंबर 600 से कम हैं वो फिर से तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जितना जल्दी आप वापस आ जाएंगे, अपने आप को ये यकीन दिला लेंगे कि कोई बात नहीं, इस बार मेरा नहीं हुआ बट नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो भरोसा रखिए अपने आप पर, अपने टीचर्स पर और अपनी मेहनत पर, ठीक है। मेहनत बहुत ईमानदारी के साथ करनी है, ऐसा नहीं करना है कि
पापा मम्मी के सामने तो मोबाइल खोल करके बैठ गए, लेक्चर देख लिया या किताब खुली है, बैठे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है, ये सब नहीं चलेगा। पूरी ईमानदारी के साथ आप अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट आपके फेवर में ना हो। ठीक है, ये हो सकता है कि कुछ नंबर कम रह जाएं, एक आध दो नंबर से हो सकता है रह जाए, बट ऐसा नहीं होगा कि आपने तैयारी करी है 500-700 नंबर तक लाने की, लेकिन आपके नंबर 100-150 रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी के साथ पूरा टाइम को पूरा यूज करिए, टाइम को बर्बाद मत करिए, क्योंकि अगर आपने अभी समय को बर्बाद कर दिया तो फिर समय आपको बर्बाद कर देगा। तो चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि मिनिमम कार्बन कितने चाहिए एल्कीन को 6 आइसोमर शो करने के लिए। तो एल्कीन के लिए ही 2 कार्बन चाहिए होता है। एल्कीन क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एल्कीन ही है, तो यहां तो 6 आइसोमर शो होगा नहीं, तो 3 कार्बन का बनाते हैं। तो ये हो गया CH3, ये हुआ CH डबल बॉन्ड CH3। चलिए ठीक है, ये हो गया, क्या ये शो कर सकता है? तो आइए देखते हैं इसमें जरा हम करके। तो यहां क्या होगा CH3, और इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये डबल बॉन्ड जो है ना वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका ये यहां पर बेटा होगा CH2। ठीक है, तो ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो बात तो वही है, उल्टा घुमा करके लिख दिया गया है, कोई उसमें चेंजेस थोड़ी किए हैं, इसको उठा करके मिरर इमेज कर दी गई है, तो ये तो होगा नहीं। तो चलिए अगला एक और कार्बन ट्राई करते हैं। तो ये हो गया CH3, फिर हमने लिखा CH2, फिर हमने लिखा CH, और फिर हमने लिखा डबल बॉन्ड CH, ये कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्या करें, क्या किया हमने, देखिए इसके हमने बनाया, तो हमने लिखा CH3। ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर लगा दिया CH3। इज इट क्लियर? ये नहीं शो करेगा और ये शो कर देगा। ये देखिए, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं तुरंत आप लोगों का रिप्लाई करता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे। तो एल्कीन के लिए एक चीज क्लियर हो गई एकदम अपने दिमाग में कि एल्कीन के लिए भी आपको अगर आइसोमेरिज्म शो करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 4। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए? 4। ये दिमाग में एकदम बात क्लियर हो गई। एल्केन के लिए भी कितने? 4। एल्कीन के लिए भी कितने? 4। आइए एल्काइन की बात करते हैं। ठीक है, अब एकदम पेन नीचे रख दो, नजरें ऊपर कर लो, पेन नीचे रखो, नजरें और निगाहें ऊपर करिए और देखिए एल्काइन में क्या होता है। आइए एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्डेड बने, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड का खेल। तो देखो, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी मिनिमम 2 कार्बन तो रिक्वायर्ड है ही, तो शुरू ही यहीं से होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं कर सकता सो। चलो अब बढ़ाते हैं कार्बन, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये शो कर सकता है? बिल्कुल नहीं शो कर सकता। अब बस आप इसका मिरर इमेज ही बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मिरर इमेज भी बना के दिखा देता हूं। तो ये क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर हो जाएगा एक एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा गलती हो रही है मुझसे, ये होगा यहाँ और ये भी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 3 और 1 4 ऑलरेडी बॉन्ड बन गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3। इज इट क्लियर? तो एक ही चीज तो है, बस मिरर इमेज ही है, इस वजह से ये शो नहीं करेगा। चलिए आप कार्बन बढ़ाते हैं और कार्बन नंबर करते हैं 4। चलिए ये हो गया CH3, फिर हम क्या करेंगे यहां पर, CH3 CH2 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये हो गया, और क्या ये शो करेगा? तो एक बार करा के देखते हैं। देखो
यहां पर क्या होगा, हमने लिखा CH3, फिर हमने लिखा C और फिर हमने लिखा CH, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये अब हम ये तीन कार्बन लगे हैं और चौथा कार्बन हम यहां लगाते हैं, तो क्या ये शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अब बहुत से बच्चे यहां पर कहेंगे यस सर शो कर रहा है, दिख रहा है एकदम शो कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जरा नजर एक कार्बन के ऊपर घुमाइए, इस कार्बन के ऊपर, ये कार्बन, एक कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, चार, यानी वो मैक्सिमम चार ही बॉन्ड तो बना सकता है, तो चार बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी बना लिए हैं, तीन बॉन्ड यहां से और चौथा बॉन्ड यहां से, तो पांच बॉन्ड बन रहे हैं यहां पर कार्बन के, कितने बॉन्ड, पांच बॉन्ड बन रहे हैं। इस वजह से पांच बॉन्ड बन जाएंगे, इस वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है, कि चार कार्बन क्यों एल्काइन में आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाते, ठीक है। चलो अब अगला पांच कार्बन पर चलते हैं, तो ये तो बात एकदम क्लियर हो गई कि चार कार्बन वाला तो भैया शो नहीं करेगा, तो पांच कार्बन पर चलते हैं, पांच कार्बन पर चलते हैं और देखते हैं। तो हो जाएगा CH3, इज इट CH2, CH2, ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका ये C और फिर हो गया ये CH, ठीक है भाई, CH3 CH2 CH, क्या ये शो करेगा, क्या लगता है आपको बताइए। तो यहां पर देखिए ये बिल्कुल शो करेगा सर, ये शो करेगा और शो कर करके कुछ ऐसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, एक मैं बता देता हूं, तो ये जाएगा CH3, ठीक है, और एक कार्बन को उठाइए और सेकंड पोजीशन पर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा CH और यहां हो जाएगा आपका CH3, एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि आपको कितने कार्बन चाहिए, पांच कार्बन चाहिए। एल्काइन में, एल्केन में आपको पता चला एल्केन में कितने कार्बन, चार। एल्कीन में कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन में भी चार कार्बन, लेकिन एल्काइन में कितने कार्बन चाहिए, पांच कार्बन चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ओके चलिए, आप देखिए यहां पर है एल, ये पूरा एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया गया है कि टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। देखिए अगर एल्केन है तो चैन आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम चार कार्बन की जरूरत पड़ेगी, अगर एल्काइन है, एल्कीन है तो चार कार्बन की जरूरत पड़ेगी, अगर एल्काइन है तो पांच कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अब एल्कोहल वाला मैंने करके नहीं दिखाया है, लेकिन एल्कोहल में भी आपको चैन आइसोमर अगर शो करना है तो चार कार्बन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि एल्केन में ही तो आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और OH को लगा दिया, तो यही तो है एल्कोहल, कुछ नया थोड़ी है, एल्केन ही तो है, तो जितने जरूरत पड़ेगी एल्केन में चैन आइसोमर के लिए कार्बन की, उतनी ही जरूरत पड़ेगी एल्कोहल में भी चैन आइसोमर में कार्बन को शो करने, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब आगे क्या कहते हैं, आगे जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, अब क्या बताना है यहां पर, यहां पर ये बताना है कि ड्रॉ ऑल द चेन आइसोमर ऑफ C5H12, यानी C5H12 कार्बन में कितने पॉसिबल चेन आइसोमर हो सकते हैं, ये आपको बताना है। कैसे बताना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हेलोजन और नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको एक जगह पर लिख लेने, ठीक है, और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो कोई वैल्यू एक निकल करके आपके सामने आंसर में आएगी, जैसे 0, 1, 2, तो इन सब का कोई मतलब है वो मैं बताऊंगा अभी। तो देखो अब मैं यहां पर करता हूं जो अभी मैंने बताया, तो यहां पर आपको क्या करना है, कार्बन के नंबर कितने हैं, 5 और हाइड्रोजन के नंबर हैं 12, इसके अलावा तो कुछ है नहीं,
जब कुछ नहीं है तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, तो कार्बन 5, 5 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन है 12, और जो कुछ नहीं है उसकी जगह क्या करेंगे, 0 रख देंगे, 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इधर आ गया 6, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 6, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो अब ये क्या आ गया 0, तो अगर 0 आ गया तो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी जो भी हम इसका आइसोमेरिज्म बनाएंगे वहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी रिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, यानी अगर सिंपल टर्म में कहें तो जो भी आइसोमेरिज्म इस C5H12 से बनेंगे वो सब स्ट्रेट लाइन ही होंगे, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, ओपन चेन, सॉरी स्ट्रक्चरल नहीं ओपन चेन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, ओपन चेन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं, बना के भी देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, चाहे तो हम यहां पर लिख भी सकते हैं कि 0 कार्बन आया, 0 है, इसका क्या मतलब है, 0 का मतलब है ये कि ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब देखिए इसको बना करके देखते हैं, तो पहला जैसे फॉर एग्जांपल C5 था, तो 5 कार्बन तो सीधे सीधे CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2, ठीक है, दूसरा ये हो गया। अच्छा तीसरा एक और, तो तीसरे के लिए आप क्या करिए, ये हो गया CH3, ये है CH3, यहां पर लगा दो CH3 और ये हो गया CH3, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसके अलावा और कोई आइसोमेरिज्म इसके सो नहीं हो सकते, सिर्फ तीन ही आइसोमेरिज्म इसके सो हो सकते हैं जो कि हमने आपको बता दिए, ठीक है भैया। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कुछ पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, अब चेन आइसोमेरिज्म में सब देख लिया, कितने मिनिमम कार्बन एल्केन में चाहिए, कितने मिनिमम कार्बन एल्कीन एल्काइन में अल्कोहल में चाहिए, वो सब हमने बात कर लिया। अब बात करते हैं जरा एल्केन की, किसमें, पोजीशन आइसोमर में, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा कि पोजीशन आइसोमर में क्या होता था कि पोजीशन चेंज हो जाती थी, तो देखिए जैसे हमने क्या किया CH4 लिया पहले, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, CH4 के बाद आप CH3 लेंगे, इसमें भी नहीं होगा, तीन कार्बन जरा है उसमें आइए बात करते हैं CH3 CH2 CH3, ठीक है, क्या इसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, इसमें आप एक कार्बन को इधर उधर घुमा सकते हो, ऐसे ये कर सकते हो आप, ये तो एक ही चीज है, ठीक है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, एक ही चीज है, तो ये दोनों ये सब कोई नहीं सो करेगा, ठीक है। आगे चार कार्बन की बात करते हैं, जरा चार कार्बन जरा बात करें CH3 CH2 CH2 CH3, यही तो होगा चार कार्बन तो यही होंगे भाई, तो आइए देखते हैं चार कार्बन में, देख इसमें ये क्यों नहीं सो करेगा, क्योंकि एक में तो लगा देंगे इधर, ठीक है, एक में उठा करके तो यहां कर दिया, देखो तो ये तो चेन आइसोमर हो गया ना, ये देखो, ठीक है, ये यहां नहीं होगा, ये तो चेन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर थोड़ी हुआ, ये तो आपने चेन के साथ छेड़छाड़ करी है, तो ये चेन आइसोमर हो गया, ठीक है, इस वजह से ये पोजीशन आइसोमर तो है नहीं। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, अब यहां पर अगर आप नंबर ऑफ कार्बन 6 करेंगे, 5 में मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, 5 वाला भी नहीं सो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन जब आप 6 करेंगे तो वो क्या होगा, वो होगा CH3 CH2 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 CH3 सॉरी CH2 CH3, ये है नंबर ऑफ कार्बन 6, ठीक है, 6 कार्बन की चेन। अब इसमें आप क्या करेंगे,
ठीक है, 6 कार्बन है। अब इसमें आप चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर शो कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार और यहां पर हटाया और यहां लगा दिया CH3 और ये हो गया CH3। ठीक है, दूसरी पोजीशन पर लग गया। अब एक और, ये हो गया CH3 CH2 CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, देखो दो कार्बन शो हो गए, हुए कि नहीं हुए, चलिए बताइए। ठीक है, कोई डाउट, कोई परेशानी समस्या हो तो प्लीज बताइए। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट से, तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मिनिमम कार्बन ऑफ एल्कीन फॉर पोजीशन आइसोमर। एल्कीन में पोजीशन आइसोमर के लिए कितने मिनिमम कार्बन आपको चाहिए होंगे, ये बात आपको बता दूं। तो देखिए अब यहां पर क्या है, मिनिमम कार्बन यहां पर अगर हम देखें तो 4 कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अब मैं एक एक दो करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि टाइम की जल्दी जल्दी आपको करके बताएंगे तो और भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा पाएंगे। ठीक है, तो अभी यहां पर 4 कार्बन में करके देखते हैं क्योंकि 4 कार्बन में ही ये शो करेगा। देखो तो यहां पर क्या होगा, ये हमने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहां पर क्या करिए आप, इसको जो डबल बॉन्ड है ना इसकी पोजीशन को चेंज करो। ये हो गया CH3, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2 एक 3 और एक 4, 2 1 3 और यहां पर एक 4 हो गया और ये हो गया CH3। ठीक है, तो इसने पोजीशन आइसोमर शो कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एल्काइन पर। देखिए एल्काइन में कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए एल्काइन में पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए। तो एल्काइन और एल्कीन दोनों सेम ही है, कुछ ऐसा चेंज नहीं है इसमें, इसमें भी 4 कार्बन ही चाहिए। तो जैसे हमने लिखा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और इसमें भी यही करिए, आप चेंज कर दो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड और H हट जाएगा यहां से। ठीक है, यहां से क्या होगा, H हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर हो गया आपका CH3। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितने, 4 नंबर ऑफ कार्बन चाहिए एल्कीन और एल्काइन के लिए पोजीशन आइसोमर शो करने के लिए। मिनिमम 4 कार्बन चाहिए ही चाहिए। अब हम आगे चलते हैं और मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर, तो ये किसकी बात, ये बात की गई है बेटा एल्कोहल। ठीक है, यहां पर एल्कोहल मिसिंग है। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर इन एल्कोहल, इन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल में देखते हैं। एल्कोहल में अगर आप देखो तो अगर हम एक कार्बन में लगा के देखें तो ये तो है ही नहीं, दो कार्बन में लगा के देखें, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि आप CH2 CH3 और यहां पर लगा दो, तो बात तो वही, तो ये भी नहीं हुआ। तो अब कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं, 3 कार्बन में देखते हैं, तो हो गया CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 OH। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, CH3 CH और CH3 और यहां पर क्या हो गया OH, तो इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो कर गया। ठीक है, तो मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, 3 कार्बन। तीन कार्बन की जरूरत है। अब देखिए ये हमने यहां पर आपके लिए चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर की हमने आपके लिए पूरी चार्ट तैयार कर दिया है, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर का। ठीक है, तो यहां से आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, ये ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C।
C3H8 में कितने चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है CI और PI दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, CI और PI दोनों बताने हैं। तो अब यहां पर कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल सा फार्मूला, DU वाला फार्मूला था, आपको याद होगा DU का फार्मूला क्या था, कार्बन प्लस वन माइनस हाइड्रोजन प्लस एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये फार्मूला था। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर C3 और प्लस वन फोर हो गया, फोर माइनस, और ओवरऑल अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर भी फोर आएगा तो हो गया जीरो, यानी ओपन स्ट्रक्चर बनेगा। और अगर तीन कार्बन आते हैं तो तीन कार्बन में, यानी तीन कार्बन का मतलब क्या है, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो अगर आपके सामने मीथेन, इथेन और प्रोपेन आ जाए तो इसका मतलब अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूछा जाए तो उनका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो खुद होते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं होता। तो यानी कि यहाँ पर अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा तो वो वन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। C4H10 की बात करें, C4H10 में अगर आप देखोगे तो DU की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आप निकालना सीख चुके हो, आप खुद से निकालेंगे तो आएगी जीरो, जीरो आएगी, यानी ओपन चेन, ओपन सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेंगे। तो देखो यहां पर कितने बनेंगे C4H10 में, तो एक तो ये बनेगा चार कार्बन का, दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे, दो स्ट्रक्चर आपके सामने बनेंगे। ठीक है, दो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ठीक है, अब C5H12 की बात करते हैं। C5H12 में बेटा अगर आप DU निकालेंगे, C5H12 में जब आप DU निकालेंगे तो ये आएगा 1। आप थोड़ा स्पेशल केस है, DU निकालेंगे तो DU की वैल्यू आ गई 1। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा बता दिया, फार्मूला बता दिया, आपको कैसे करना है वो भी बता दिया। ठीक है, तो यहां पर जब आप DU की वैल्यू चेक करोगे तो कितने आएगी, 1। अब 1 आ जाए तो क्या करना है, ध्यान से सुनिए, 1 आ जाए तो क्या करना है, नजरें ऊपर करिए एक बार, जरा इधर से शकल की तरफ देखिए मेरी और सुनिए कि अगर 1 आ जाए तो क्या होगा। 1 आ जाए तो क्या होगा, आइदर पाई बॉन्ड बनेगा, आइदर पाई बॉन्ड और आइदर पाई बॉन्ड और वन रिंग, एक रिंग बन सकती है, या पाई बॉन्ड और एक रिंग बन सकता है। तो देखो अब देखते हैं बना करके जरा, C3H6 है, ओके, ओ C5H12 है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया है, ये जो बात हम आपको बता रहे हैं ये C5H10 की है। ठीक है, तो इसको हम जरा हटा देते हैं यहां से और यहां रख देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हटा दिया भाई। अब चलिए जरा एक मिनट इसकी बात कर लेते हैं पहले C5H12 की। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे C5H12 की अगर बात करें। अच्छा, C5H12 में देखेंगे, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। C5H12 की अगर बात करेंगे बेटा तो ये जीरो आएगा। ठीक है, DU जो है इसका वो जीरो आएगा, ओके, जीरो आएगा। और जब जीरो आएगा इसका मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो C5H12 में टोटल तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, टोटल कितने, तीन स्ट्रक्चर्स, मैं बना के दिखाता हूं C5H12 का। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच पहला। दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 ये और ये। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है ये। ठीक है, तो ये टोटल आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ये हो गए। ठीक है, C5H12। अब देखिए C3H6 का, C3H6 का जरा देखिए, इसमें DU की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहां पे आइदर पाई बॉन्ड और वन रिंग, यानी तो एक पाई बॉन्ड बन सकता है। तो तीन कार्बन है तो आप पहले तीन कार्बन बना दो, तीन कार्बन बना दिए, एक दो तीन कार्बन बन गए और एक पाई बॉन्ड लगा दो। ठीक है, और इसके अलावा एक रिंग बन सकता है तीन कार्बन, तो इसका मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है वो कितने सो होंगे, टू स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये यहां पर सो हो जाएंगे। अब बात करते हैं C4H8 की, किसकी, C4H8 की।
C4H8 में भी बेटा जो DU है वो 1 आएगा। DU अगर 1 आ गया तो इसका मतलब पाई बॉन्ड एक बनेगा और इसके साथ ही एक रिंग बनेगी, ठीक है। तो पाई बॉन्ड एक बनाओ, क्या पाई बॉन्ड बनेगा देखो, 4 कार्बन हो गए और एक पाई बॉन्ड हमने बना दिया, ठीक है, ये एक पाई बॉन्ड बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर, ये तो पहला हो गया, टोटल कितने बनेंगे वो भी दिखाते हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तीसरा स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 कार्बन, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन हो गए, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, टोटल 5 कार्बन हो गए। अच्छा, इसके अलावा जो पाई बॉन्ड से थे वो टोटल हमने बना दिए। अब रिंग, एक तो 4 कार्बन की रिंग बनेगी, सीधी बन जाएगी, दूसरी एक आप ये बनाइए हेक्सागन, सॉरी क्या, ट्रायंगल, ठीक है, ये आप क्या बना दिया, 3 साइक्लोप्रोपेन बना दिया, सिंपल साइक्लोप्रोपेन। और पहली पोजीशन पर आप क्या लगा दीजिए, मिथाइल लगा दो, पहली पोजीशन पर क्या लगा देंगे, मिथाइल लगा देंगे, तो यहां पर ये क्लियर हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ओके। अब फटाफट से देख लीजिए, अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और मैं जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों की समझता हूँ जो आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर प्लीज जल्दी जल्दी लेक्चर अपलोड करिए, ठीक है, बट थोड़ा सा हम भी काम में बिजी हो जाते हैं, तो क्योंकि सारा कुछ अकेले ही देखना होता है, कोई मेरे पास ऐसा स्पेशल टीम तो है नहीं कि किसी को हमने बोल दिया तो कोई रिकॉर्ड कर देगा, कुछ करना है, सारा कुछ खुद से ही करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में तो आना ही है, साथ ही साथ इस लेक्चर को आपको शेयर जरूर करना है, इस लेक्चर को सभी जगह शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, चैनल को शेयर जरूर करो, चैनल को भी, वीडियो को भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और खुद भी करो और दूसरों से भी करवाओ, और सब्सक्राइबर जरूर आप करवाइए, जितने भी लोगों से आप को रेफर करते हैं, इसको आप सेंड करते हैं दूसरे अपने दोस्तों को, सबको यही बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और खुद भी करिए अगर आपने नहीं किया है तो उनको भी करवाइए, जिससे कि आपको उन सब तक अच्छा कॉन्टेंट फ्री में ईजिली पहुँच सके, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।